इंदौर की कनाड़िया पुलिस को नाबालिग से दुष्कर्म कर फरार आरोपी को गुजरात से बड़ोदरा से गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। कनाड़िया थाना 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला पास्को एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद आरोपी विनोद मीणा की तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस ने आरोपी पर 5,000 का इनाम भी घोषित कर रखा है। 4 वर्ष पूर्व फरियादिया द्वारा थाना कनाड़िया पर सूचना दी गई थी कि उसकी 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ उसके जो सौतेले पति जो है, उसका सौतेला बाप है, उसके द्वारा उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार किया गया, जिसकी रिपोर्ट की थी, जिस पर अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया था। आरोपी उसमें जो है विनोद मीनामा जो था, घटना दिनांक से फरार था, जिसका पता लगाया जाकर उसे बड़ोदरा गुजरात से गिरफ्तार किया गया है। कितना इनाम था इस पे? और आरोपी 4 वर्ष से फरार था, आरोपी के ऊपर 5,000 का इनाम था। इन दिनों मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में आग जलने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। हीरानगर थाना क्षेत्र के सूरज नगर के इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद श्री गुरु लीला केमिकल फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। इस आग की वजह से फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने मशक्कत के बाद आग को काबू किया और संभवत शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगना बताया जा रहा है। फैक्ट्री में आग लगी, ऐसी सूचना मिली हमें कंट्रोल रूम से, जिसका नाम श्री लीला गुरु केमिकल। ये तो अभी बता नहीं सकते, बुझाने पर शॉर्ट सर्किट लगी हुई किसकी, अभी नुकसान कोई आकलन नहीं हुआ, अभी 1 घंटे बाद लगेगा पानी का। अभी 4-3 गाड़ी लगाई है, गांधीहाल की एक, लक्ष्मी नगर एक, सावी रोड की। हाँ, जानकारी मिल गई, वो बुझा दी है, उसमें तो ज़्यादा सी आग देखी है और उसमें बिजली इलेक्ट्रिक में लगी थी, बुझा दी उसकी। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने हथियारों का जखीरा पकड़ा है। यह हथियार इंदौर सप्लाई करने लाए जा रहे थे और इन्हें इंदौर की सीमा पर ही पकड़ लिया गया। पकड़ा आरोपी का नाम जल सिंह पिता संतोष सिंह छावड़ा निवासी खरगोन है। पुलिस ने उसी देवगुराड़िया ब्रिज के पास घेरा और उसके कब्जे से 10 देसी पिस्टलें और 5 देसी कट्टे सहित जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। 9 दिन में इंदौर में 122 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और लगातार इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अब इंदौर में एक्टिव मरीजों की संख्या 79 हो चुकी है। इंदौर संभाग के सबसे बड़े एमवाई अस्पताल में जुआ खेलने का मामला सामने आया है। पुलिस ने अस्पताल के 3 वार्ड बॉय और 1 सिक्योरिटी गार्ड को जुआ खेलते पकड़ा है। आरोपी अस्पताल में वार्ड बॉय और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। उनके पास से 17,000 रुपए नगद और मोबाइल जब्त हुए हैं। मामले में अस्पताल प्रबंधन ने भी चारों के खिलाफ जांच की बात कर रही है।